नाने उर्दू न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती। तो भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम चौबत में कहां मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्ला बेग, अदर बेग, अल बरकात होम अप्लायंसेस फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायर बोर्ड देगलू नाका नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ दुनिया में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। हुकूमत महाराष्ट्र ने 29 नवंबर 2018 को मराठा समाज को 16% रिजर्वेशन देने का जो कानून बनाया और उसको तमाम पार्टियों ने यानी हुकूमती और अपोजिशन ने मिलकर उसको मंजूर किया, इसलिए मैं तमाम मराठा समाज के ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद देता हूँ। ये उनका तकरीबन 1982 से मतालबा था, दरमियान में कुछ शिद्दत भी पैदा हो गई, 40 से 50 आदमी उसमें शहीद हुए और तकरीबन 20-25 साल के बाद अब उनका ये मतालबा पूरा हुआ, इसलिए हम उनके मतलब पूरा होने की वजह से खुश हैं। मराठा समाज हमारा भाई है, हमको उनसे कोई नफरत नहीं है, लेकिन बेहतर ये होता कि हुकूमत महाराष्ट्र मुसलमानों के जो 5% आरक्षण है उसका भी ऐलान साथ साथ करती, क्योंकि वे उसके ऐलान करने में आज भी हुकूमत को हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का कोई स्टे नहीं है। ये सरासर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नाइंसाफ़ी है और ये साबित हो चुका है कि मौजूदा हुकूमत फ़िरका परस्त है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। जिस तरीके से उन्होंने सच्चर कमेटी के सिफारिशात पर जो सहूलतें अखलियतों को मिलती थी मदारिस वगैरह के लिए, वो बंद कर दिए, और इस तरीके से अब ये भी दूसरा दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिए हैं। हम हुकूमत से मतालबा करते हैं कि वो मुसलमानों के 5% आरक्षण को दोबारा से, रिज़र्वेशन को दोबारा से बहाल करें। मैं उन तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों से जो आरम यहाँ हमारे नुमाइंदे हैं असम्बली में, राज्यसभा में, पार्लियामेंट में, उनसे मैं ये जो है मतालबा करता हूँ कि वो हुकूमत पर इस बात का ज़ोर करें कि वो मुसलमानों को 5% जो है रिज़र्वेशन दें, वरना मुसलमान रास्ते पर आएंगे और वो अपनी शहादत देने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे, इसलिए ये उनको इंतबाह दिया जा रहा है। खुदा हाफिज़। नानी उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।